हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, 16 जून 2019 वर्ल्ड कप और इंडिया पाकिस्तान का मैच। पाकिस्तान ये मैच भारत से 89 रनों से हार गया और ये हार पाकिस्तान के लिए बहुत शर्मनाक थी। पाकिस्तान के लिए ये मैच एक काला दिन के बराबर था। पाकिस्तान भारत से वर्ल्ड कप में लगातार 7वीं बार हारा है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया को एक भी बार आज तक नहीं हरा पाया है। पूरी दुनिया से पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी, पाकिस्तान के कैप्टन सरफराज अहमद और पाकिस्तान की पूरी टीम को बहुत ही भला बुरा कह रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने उसके बाद तगड़ा कमबैक किया। उन्होंने न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों को हराया और अपनी अभी भी सेमीफाइनल में पहुँचने की उम्मीदें बरकरार रखी है। पर दोस्तों, पाकिस्तान के कैप्टन सरफराज अहमद और कोच मिकी आर्थर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इंडिया से मैच हारने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो मैच के बाद जाके सुइसाइड कर ले। उन्होंने कहा कि इंडिया से मैच हारने के बाद उनकी पूरी टीम बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी और उनके फैंस और पूर्व खिलाड़ी उन्हें बहुत ही खड़ी खोटी सुना रहे थे, जो कि उनके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके बाद पाकिस्तानी कोच मिकी आर्थर ने कहा कि उन्होंने सारे खिलाड़ियों को समझाया कि ये खाली एक मैच था, अभी उनके पास और भी मैच है और वो मैचेस जीत सकते हैं और सेमीफाइनल में अभी भी पहुंच सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने लगातार 2 मैचेस जीते। दोस्तों, कोचेस के मामले में पाकिस्तान का इतिहास बहुत ख़राब है। हमें 2007 का इंसिडेंट नहीं भूलना चाहिए। 2007 के ग्रुप स्टेज से पाकिस्तान नॉकआउट होने के बाद उनके कोच बॉब वुलमर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वर्ल्ड कप के बाद कैप्टन या कोच किसी को भी कोई खतरा ना हो। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट करें इस वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों।